नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन गेस करने जा रहा हूँ वो सेकंड बुक से, ठीक है। फर्स्ट बुक का जो क्वेश्चन गेस किया हूँ वो मैं 2 दिन पहले किया था, और अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्टली उस पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियोज़ देखने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, और वहाँ आपको लिंक मिल रहा है उस पर आप जाकर वो वीडियो पहले देख लें, और अपने जब भी ये वीडियो देखिए तो साथ में बुक भी निकाल लीजिए एक ही साथ। ऐसा नहीं कि वीडियो भी देख लिए बाद में टिक कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सारे जो फार्मूलाज़ हैं, ठीक है, वो डेरिवेटिव्स हो या एंटी डेरिवेटिव्स हो, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। जो भी आपके फार्मूलाज हैं आपको टोटल फार्मूला ऑन लिप्स होनी चाहिए, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है यहाँ पे है, इधर आपका डेरिवेटिव्स है और इधर आपका इंटीग्रल्स है, एंटी डेरिवेटिव्स। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से स्टडी करने कर में सक्षम हो तो आप ले सकते हो, ये तो बुक में सबके पास आई थिंक है ही। चलिए अब मैं 7.1 में बताता हूँ कौन सा क्वेश्चंस आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 7.1 की बात करें तो 7.1 में देख लेते हैं। सबसे पहले 7.1 की बात करें तो 7.1 से आपका जो क्वेश्चंस आएगा वो जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना। इनसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड आएंगे, चाहे वो 2 हो फर्स्ट, ठीक है, 11 क्वेश्चन नंबर 9, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आपको, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, आपको करके ही जाने हैं, ठीक है। आप वीडियो स्किप करके नहीं देखिएगा, हो सकता है मैं कभी 16 पहले करता हूँ 15 बाद में टिक करता हूँ, तो आप सोचोगे 15 हो गया तो 16 छूट जाएगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना, कंटिन्यू वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो तो आपको देखकर ही जाने हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर्स के हो, एनसीईआरटी बुक के, दोनों बुक के जो ऑब्जेक्टिव है हर चैप्टर में 2 या 3, किसी किसी में 4-5 रहते हैं, वो आपको देखकर जाने हैं। अब देखिए 7.2 की बात करें तो 7.2 में जाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, तो इसमें कौन कौन सा मेथड आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल मेथड, ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों से आप जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तो इन दोनों पे आप प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर वाइज मैं गेस कर ही रहा हूँ, ये चैप्टर में जो पढ़ना है 7.2 में वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप जान ही रहे हो, उसे चेंज कर करना, ठीक है। आप तो सब कुछ पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ यहाँ पे गेस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 7.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14, 16, 17, ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, और बात करूँ 27, 26 और आपके 36, 37, और ऑब्जेक्टिव तो आपको बोल के ही रखा हूँ, ऑब्जेक्टिव तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अब ये जो चैप्टर होगा वो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यानी ये जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका ट्रिगो पे बेस्ड होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाएँ हैं, ठीक है, चाहे वो 11th के हो,
या 12th के हो, आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। और याद करने के तरीका के लिए इस ट्रिगो का मैं वीडियो स्पेशल बना चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो आप वो सब वीडियो भी देखते रहें। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है नेक्स्ट में, आपके क्वेश्चन नंबर 4, 12, 8 क्वेश्चन नंबर 20, 22, 21 और ऑब्जेक्टिव 23, 24, ठीक है। अब जो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस है ये तो काफ़ी मीन्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे तो क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, इनसे ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे ही, और इन पे बेस्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सब फार्मूलाज हैं, ये सब आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैं ये फार्मूलाज का दिया था, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए ही होंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस चैप्टर पे आता हूँ। इस चैप्टर में जो VBI क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं कि आखिर VBI क्वेश्चंस इस चैप्टर में कौन से हैं या किनके आने की चांसेस ज़्यादा है। देखिए 100% गेसिंग तो कोई नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% आ ही जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ अगर उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आए ना आए उस टाइप पे बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आप 90% विश्वास कीजिए 90% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, जितना अगर मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हो तो। चाहे मैं इससे पहले भी जो वीडियोज़ डाला हूँ वो वीडियोज़ आप देखिए, और जो आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम में बहुत मज़े में जाएगा आपका एग्ज़ाम। नेक्स्ट देखिए इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है सेकेंड नंबर क्वेश्चंस, फर्स्ट तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7 ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एकदम सोच कर जाना कि मिलेंगे ही मिलेंगे 23, और ऑब्जेक्टिव तो आपको देखकर ही जाने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव आपको देखकर ही जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब जो है इस बेस्ट पे है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इतना जानना कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आएंगे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर में बताते हैं कौन सा क्वेश्चंस आपका इम्पोर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चंस टिक कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाओगे एग्ज़ाम में बहुत फील इजी करोगे आप, ठीक है। इजी फील करोगे यानी आसानी से आपको लगेगा कुछ है ही नहीं एग्ज़ाम में। मैं टिक करते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हो तो आप क्वेश्चन नंबर भी एक्सरसाइज देखकर नोट कर सकते हो, ठीक है। किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं टिक कर रहा हूँ वो आप, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, इसका आंसर याद रख लेना, ठीक है। 17 और ये ऑब्जेक्टिव वाले तो देखना ही देखना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी, आंसर याद कर लेना ऐसा क्वेश्चंस का। बहुत सारे क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन में है ना आप याद भी कर लोगे ना, अगर बनाए हुए हो एग्ज़ाम में आ गया ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको याद है तो आप आसानी से मार सकते हो, ठीक है। वो आपका टाइम बचाएगा, प्रैक्टिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको आता है वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप प्रैक्टिस कितना है आपका, ठीक है। फॉर्मूला तो सबको आता है, बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन आपसे बनने से रहा। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 12, 15, 14, इस टाइप के क्वेश्चंस 8, 7 आप देख लेना। नेक्स्ट बात करें आपके जो इम्पोर्टेंट हैं 22, 21, 23 और 24 ऑब्जेक्टिव हैं, वो तो आपके इम्पोर्टेंट हैं ही। 7.7 की बात करें तो 7.7 में ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपके हैं नहीं, फिर भी आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं क्वेश्चन नंबर 5, 10, 11 ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में जा रहा हूँ यहाँ से 7.8 का पूरा देख लेना ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ पूरा देख लेना। अगर फिर भी आपको पूरा देखने का दिल ना करे तो मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आप प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ये भी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, सारे इंटीग्रेशन का टाइप ही होता है। अगर वो आपको इंटीग्रेशन करने आता है ठीक है, इंटीग्रेशन में आप अच्छे से कर रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आप कर लोगे, अगर इंटीग्रेशन का तरीका ही नहीं आता तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपसे बनने से रहा ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको करके ही जाने। ये सारे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन देख रहे हैं ठीक है, पाई वाले खास करके थीटा वाले ठीक है, ये सब क्वेश्चंस एग्जाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मेहनत तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं ठीक है। एक देखो सबकी चाहत अलग अलग होती है, कोई चाहता है मैं फर्स्ट डिवीज़न आ जाना चाहिए, कोई चाहता है फर्स्ट डिवीज़न नहीं, हमें ऐसा नंबर लाना है कि अपने आप में लगे कि मैंने जो मेहनत किया उसका फल मुझे मिला ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत लोग आते हैं, मेन आपका मकसद होना चाहिए कि हमें डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना है, यानी आपका हर सब्जेक्ट में 75% प्लस मार्क्स एक होना चाहिए ठीक है ना, ये आपको मेहनत को दिखाता है। 60% फर्स्ट डिवीज़न ले आना ये कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है, तो छोटी सोच नहीं रखिए, थोड़ा आगे सोचिए। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल्स का ये भी आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन पे देखो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको 90% मार्क्स लाना है तो इंटीग्रेशन को स्किप नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन छोड़कर आप 90% का होप नहीं कर सकते ठीक है, इंटीग्रेशन छोड़कर आप 80% का भी होप नहीं कर सकते ठीक है ना। 80% मार्क्स लाना भी विदाउट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, 60% की बात करें तो आप विदाउट इंटीग्रेशन ला सकते हैं। नेक्स्ट 7.11 यानी 7.11, तो यहाँ पे बात करें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके देखो डिफरेंट इंटीग्रेशन तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो सब पहले वाले पे बेस्ड है, पहले जो आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं उस पर अगर आपको कमांड है सारा फार्मूला तो ही डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो ठीक है। इसके मैं कुछ शॉर्टकट वीडियोस बनाया हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट वीडियो बनाओगे में काम देगा ना ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर शॉर्टकट वीडियो से आप डायरेक्ट आंसर बना दोगे तो वो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर का है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा ना, आपको 2 नंबर ही 1 नंबर ही मिलेगा ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट वीडियोस हैं, ऐसा नहीं कि उस वीडियो से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व मत करने लगना ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा उस टाइप का वीडियोस बनाया ही नहीं हूँ। शुरुआत में 2-3 वीडियो बनाया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, या आफ्टर एग्जामिनेशन अगर आप NDA वगैरह की या एयरफोर्स की तैयारी करते हैं तो उस टाइप के वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है, क्योंकि वहाँ तो आपको
ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करने रहते हैं, लेकिन यहाँ तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में जो क्वेश्चन फार्मूलाज होते हैं, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में दिए रहते हैं, ठीक है। आप लोग देखते नहीं हैं, वहाँ से ही आपको फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, अब देखो इस पे क्वेश्चंस अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटरवल्स इस चैप्टर से क्वेश्चन कम के बराबर आ रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है, जिसे मैं टिक कर रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाना, ऑब्जेक्टिव में आपका तो आएगा, ठीक है, 11 नंबर। नेक्स्ट है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब जो है दो कर्व्स के बीच एरिया निकालना है, ठीक है ना, तो एरिया जो निकालेंगे एरिया निकालने के लिए आप जो क्वेश्चंस देख के जाओगे, मैं जब क्लास में ये जब ये पढ़ा रहा था तो बताया था कुछ एग्जांपल भी इनके जो है इम्पॉर्टेंट है, क्लास में आप लोग को पता होगा उस एग्जांपल को मैंने बताया था। अगर आप क्लास ध्यान से देखोगे तो ठीक है, अगर नहीं ध्यान दिए होगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट में जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में आपका प्रोबेबिलिटी आ जाता है, प्रायिकता, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रायिकता। सारे चैप्टर्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी चैप्टर्स आप प्रोबेबिलिटी के स्किप नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा बात किया जाए तो अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर मिलाकर। फर्स्ट चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है, यानी फर्स्ट चैप्टर पे आप कमांड करोगे, आपको ऑब्जेक्टिव वेस्ट चैप्टर के लिए इस टाइप के ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपके आते ही आते हैं, एकदम एकदम लिख के रख लो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल दिखेंगे। अगर नहीं दिखेंगे तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर हैं ही, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका है, देखिए सबका पहले आप नाम याद रखो, ऐसे नहीं कि हमें चैप्टर बाई चैप्टर, आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यानी आप प्रोबेबिलिटी पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो। शेयर करने लाइक करने में पैसा तो लगता नहीं है, पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका दिल करे तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना, वैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। डिसलाइक करने का दिल करता है कि नहीं का वो भी कर लेते हैं, डिसलाइक करने में तो पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में तो पैसा लग ही जाता है। जो टिक कर रहा हूँ मैं वो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है, ठीक है। देखो ये ए और नॉट बी, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी और या लॉन्ग में भी कभी कभी देते हैं, तो इस पर आप, ठीक है, ये 12 नंबर इस टाइप के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे। 12 नंबर हो गया, 13 हो गया, और जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो तो है ही, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने पेपर पढ़ते हैं, कितने चाय पीते हैं, कितने कॉफ़ी पीते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी का सबसे हिट चैप्टर बेस थ्योरम, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की जान है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बेस थ्योरम का जो फार्मूला है, ठीक है, ये आपको याद होनी ही चाहिए, बेस थ्योरम के फार्मूला। तो मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
अगर दिल करे, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिल करे तो। नेक्स्ट है 13.3। अब इससे आपका फर्स्ट तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ देखो टाइप आपको आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फोन नंबर, एक इसमें फैमिली वाला था, ठीक है, जो फैमिली वाला क्वेश्चन है, बच्चा कितने तरीके से होते हैं, वो वाला क्वेश्चन जो आपका शायद सॉल्व एग्जांपल में है, सॉल्व एग्जांपल में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो क्लास में आपको बताया हूँ। वीडियो ऐसे ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोग की आदत है वीडियो, आप लोग के पास 30 मिनट्स भी टाइम नहीं होता है कि वीडियो को पूरा देखें, इतनी जल्दी में रहते हो, पता नहीं पढ़ाई कैसे करते होगे। नेक्स्ट आपका रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए चैप्टर में बता देता हूँ आपको कौन से इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये जो बॉक्स वाले देख रहे हो ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखिए चैप्टर आ गया यहाँ से, पहले तो जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ये आप बिल्कुल देख लेना, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेना। और लास्ट में भी ये ऑब्जेक्टिव ही है साइबन, मैं ये कहूँगा कि ये पूरा जो 8-9 क्वेश्चंस हैं वो आप देख कर ही जाना, ठीक है, शुरुआत का 16-17 ये सब भी आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बर्नौली ट्रेल्स एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपके प्रोबेबिलिटी की जान है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम जो आप 11th में पढ़े थे ना, उसका यूज इसमें है। अब बायनोमियल थ्योरम तो भूल गए होगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अभी भी बहुत टाइम है आपके लोगों के पास, नोट्स है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का रिविज़न हमेशा करते रहना। अब जो ही नहीं है कि बनाने बैठ गए, आप नोट्स निकाल कर एक नज़र देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पता है कि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ना है आप लोग को, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सारे सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा पढ़ने वाला लड़का ज़्यादा नंबर नहीं लाता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज़्यादा नंबर वो लाता है जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है, ठीक है, जो अच्छा प्लानिंग करके चलता है। बिना प्लानिंग के सिर्फ पढ़ते जाना, पढ़ते जाने से नंबर नहीं आता, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी आपकी प्लानिंग है, ठीक है। आपका एक डायग्राम होता है पढ़ने का कि एग्ज़ाम के एक महीना पहले आपने कौन सी रूटीन को फॉलो किया है। जिसका रूटीन अच्छा होता है मार्क्स उसी के अच्छा आते हैं, चाहे पहले वो तेज रहा हो लेकिन मार्क्स एग्ज़ाम में ख़राब आ गए, तो इसका कारण यही है कि उसने रिविज़न सही से नहीं किया, या तो ओवर कॉन्फिडेंस था, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आ गए हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आपके तो रहते ही हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी आप सेकेंड ऑर्डर टाइप का दिख रहा है ना, ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। देखने का मतलब बना लेना, प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है। जो भी मैं टिक कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ऑब्जेक्टिव में अगर छोड़ भी दे रहा हूँ टिक करना, तो आप ऑब्जेक्टिव खुद से टिक कर लो, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद बताना कि मैंने जो गेस किया है उस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं आए, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। बहुत लोग की आदत होती है झूठ बोलने की,
अगर एग्ज़ाम अच्छा किया तो सर आया था, एग्ज़ाम अच्छा नहीं किया अपनी भी गलती से तो सर अच्छा नहीं आया था, आपके तो क्वेश्चन आए ही नहीं थे। ये सब जो चारों क्वेश्चन है ये आप देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले, कोई एक इसमें आ सकता है या तो कोई एक आएगा या तो चारों में से कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब जो है इजी हो गया है, तो इजी क्वेश्चंस लड़कों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं हम लोग, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें भी आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें आपको टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, 15 नंबर सिर्फ देख लेना। ऑब्जेक्टिव,